खबर चमोली से है, जहां गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित न कराने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ सांकेतिक उपवास रख धरना दिया। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार भराड़ी सैंड को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर देहरादून में सत्र आयोजित कर रही है। वहीं कांग्रेस की सरकार ने भराड़ी सैंड गैरसैंण में करोड़ों की लागत से विधानसभा भवन बनाया गया था, लेकिन भाजपा के सरकार ने भराड़ी सैंड गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर आंदोलनकारियों के साथ छलावा किया है। उन्होंने कांग्रेस विधायकों से भराड़ी सैंड का मामला विधानसभा में उठाने को कहा। यह बहुत ही कटु और बहुत छल वाला निर्णय है। हम इस निर्णय की भर्त्सना करते हैं, हमको बिल्कुल स्वीकार नहीं है। और भराड़ी सैंड का क्या स्टेटस है, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है या नहीं है, है तो सरकार कब भराड़ीसैंण बैठने आ रही है, इस पर जो है मुख्यमंत्री को बयान देना चाहिए।